हेलो दोस्तों, राजिल इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, ये मैं सोल्डिंग स्टेशन मंगाया हूँ। जो पहले वाला था वो बहुत बेकार था, मैं उसी से कितना दिन घिसी पिटी काम किया। और उसके बाद देखिए, मेरे पास कुछ पैसा हुआ और मैं एक अच्छा आयरन खरीद लिया। तो आज मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा और ये मेरे को पड़ा 2,000 रुपये का। तो देखिए, आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या क्या हमको मिला है। तो सबसे पहले ये खोलेंगे और देखिए दोस्तों, इसमें इसका ऑपरेटिंग का मेन्यू कार्ड दिया गया है, कैसे कैसे चलाएंगे। इसमें सब बकवास लिखा गया है, इसको हटाओ। और देखिए, एक ये डिब्बा दिया हुआ है और एक ये डब्बा, दो डब्बा मिला गया है। ये लग रहा है मोबाइल है इसमें, लेकिन देखते हैं क्या निकलता है। तो दोस्तों, ये पैकेट निकाल रहा हूँ, सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों, लो गोल्ड मिल गया क्या हमको? नहीं। और ये इसमें रहेगा। और उसके बाद इसको भी खोल लेते हैं, ये पावर केबल हमको एक मिला, इसको खोल लेता हूँ। इसको पहले नहीं खुलेगा, साइड में रखते हैं इसको, डिब्बे के साइड में यहाँ पर रख देते हैं। और देखिए, इसमें दो बिट हमको मिला, कंपनी के तरफ से हमको एक बिट मिला था और मैं ये एक इसको अलग से किना, तो ये मुझको पड़ा ये 200 रुपये का एक बिट। और देखिए, ये इसका शोल्डरिंग है, शोल्डर। और ये पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता है। और मेन ये है इसका मशीन, देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये OSS T12D+ इसका मॉडल है। और पीछे का ये है, कितना अच्छा लग रहा है, देख लीजिए आप भी दोस्तों। ऐसा खरीदिएगा जब ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तब अच्छा काम पड़ता है, नहीं तो नॉर्मल ही खरीदिएगा। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, अपने जहाँ पर मैं सोल्डर करता हूँ या मोबाइल रिपेयर करता हूँ, वहाँ पर इसको रखूँगा और उसको टेस्टिंग करके आप लोग को दिखाऊँगा। मैं इसका कनेक्शन भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए, ये पावर केबल इसमें लगेगा पीछे की तरफ, और ये जो है अर्थिंग का है तो ये भी पीछे लग जाएगा, इसमें खोसने वाला दिया हुआ है। और ये जो इसका जिससे काम होगा, शोल्डर जो मेन है, इसको यहाँ पर फिट करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, लग गया। अब इसको यहाँ पर दिया है एरो का निशान, अब इसको कस लेंगे सीधी की तरफ से। अब ये है इसका बिट, आप लोग को बिट दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये पतला वाला बिट है, इससे मैं उतना काम नहीं करूँगा, तो इसको रख लेता हूँ। मैं दूसरा वाला बिट निकालता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बिट है और इसके अंदर ठूस देना है, बहुत सिंपल है। और इसका बिट आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है। और इसमें इसको ऐसे रखेंगे, तो इसको रिपेयरिंग काउंटर पर ले चलते हैं, मैं यहाँ पर रखूँगा इसको। अब इसमें पावर दे देता हूँ और देखते हैं कैसा काम करता है ये। अब बारी आती है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो पीछे इसका स्विच दिया हुआ है और देखिए, ये चालू हो गया। अब इसको देखिए, इससे सेट करते हैं कितना पर हमको टेम्परेचर चाहिए, उतना ही हाई एक गर्म होगा। तो इसका टेम्परेचर तो मैं 370 पे अच्छा ही है, वर्क करता है 350 और 370 पर। अभी ये थोड़ा सा भी गर्म नहीं हुआ है, इसको निकालेंगे तो ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी कुछ इसमें दिक्कत लग रहा है, 1 मिनट इसको ठीक कर लेता हूँ। इसमें लिख रहा है 5E, पता नहीं क्या लिख रहा है, अभी मैं नया नया इसको चला रहा हूँ। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कर रहा था, इसका जो ये वाला बिट था ये अच्छे से लगा नहीं था।
तो मैंने फिर से इसको निकाल कर लगाया तो ये वर्क करने लगा है। देखिए यहाँ से दोस्तों कर रहा है, इसको बढ़ाकर देखते हैं कितना जल्दी ये फास्ट कर रहा है गर्म। तो देखिए इसको हम मैं 380 पर सेट कर लेता हूँ और उसके बाद देखिए निकालता हूँ। देखिए दोस्तों ये गर्म हो गया, देख लीजिए आप लोगों के सामने बहुत जल्दी बहुत फास्ट गर्म हो गया। ये इसमें खासियत दोस्तों, बहुत फास्ट गर्म होता है और इसमें रख देने से ये ठंडा भी हो जाता है, तो ये जल्दी से सोल्डर ये जो है आपका ये आयरन ख़राब नहीं होगा, इसी की वजह से मैंने इसको ख़रीदा था। कैसा लगा आप लोगों का वीडियो? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।